हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज क्या है, आप सबको पता ही है कि आज मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति की आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। मकर संक्रांति की रिवाज और बताऊंगी मैं आपको कि हमारे यहाँ पे कैसे मकर संक्रांति मनाई जाती है, और आप सब भी बताना कि आपके यहाँ पे कैसे मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति को बोलते हैं सक्रांत। ये होता है बिच्छू छपरियाँ का त्यौहार हुआ है। छोरी छापरी अपने घर जाती हैं और अपने मायके जाकर सक्रांत मनाती हैं। वहाँ पर भाई सबसे पहले होता है सुबह वक़्त उठती हैं। सुबह वक़्त उठ के जो सबसे पहले नहाता है ना, उसे पता है क्या कहते हैं, जो सबसे पहले नहाएगा उसे राजा बनेगा। वो क्या होगा, राजा बनेगा, ऐसा माना जाता है। तो भाई फिर कहते हैं भाई सिर मत दो, सिर धोया तो क्या बनेगी, सिर धोना मना है। संक्रांत वाले दिन सिर भी नहीं धोया जाता। सिर धोते हैं तो बनती है, जो कहा है सिर धोएगी बाल धोएगी तो तिलन बनेगी। तो संक्रांत वाले दिन बाल भी नहीं धोए जाते और कपड़े भी नहीं धोए जाते। कहती अगर कपड़े धोते हैं तो धोबी बनेगा। तो भाई मैंने तो सारे काम किए हैं, मैंने बाल भी धोए हैं, कपड़े भी धो रही हूँ और मैं नहाई भी हूँ, देखती हूँ क्या बन अगले जन्म में। यूँ कह कर अगले जन्म में बनेगी। अब सबसे पहले नहा ली, राजा का टाइम है ही ना, तो भाई सबसे पहले नहाई मैंने, सिर मैंने धोया और कपड़े भी ना धोया करें तो कपड़े मैं धो रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ। ये सब पहले की रिवाज है जो बताई जाती है। पहले नहीं करते थे कुछ भी, बट अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम सब कुछ कर लेते हैं। यूँ कहा करती, चलो अरे साग का काम कितना तो बनाऊंगा तो शाम का टाइम जाया करता, सारी मिल गए जितनी भी छोरी छापरी आई होती वो सारी जाती, नमक और मिर्च लेता दोनों मिला के, और अपनी अपनी पुड़िया बना ले जाता सारे एक एक कागज़ में लपेट के, और लेकर खेतों में चल जाया करता। चना को साग खाता, फिर उसमें ऊपर की कच्ची कच्ची गोप तोड़ के उसमें लगा के फिर वो साग खाता। यह रिवाज है। और चूरमू सबसे बढ़िया है कि चूरमू बनाया जावे सुबह नहा धो के, और फिर चूरमू बनाया जावे। चूरमू बनाए जाओ बट भोग ना लगाए जाओ, अंगारी लेके और अपना बार नाम रखी जाओ पोठा पे, बारह उठा पे समझ ली, बारह उठा रखा है, उसमें तिल लेके और वो तिल घेर के तिल तिड़ खाया जावे। यो ही है बस हमारी मकर संक्रांति की रिवाज। और आप सब भी हमने बताइयो कि आपके यहाँ कैसे रिवाज है, क्या क्या रिवाज है। हैप्पी कूट दे कचूर मुंह चिपका हो।
पूरे कर 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 सही तिल तो सही ना के तड़पाओ कितनी ले कौन कौन और रेवड़ी का घेर रेवड़ी का खा खू लिया रात रो बेटकड़ी ले भी थक रेवड़ी को नहीं एक भी रेवड़ी को कौन सुन खा ले रेवड़ी मैं तो बुझूं तो कोई नो में दर आया कुप्पे तिल की जरूरत है ना चाहते मेरे मन कर ये तो घनो योग हो तो नहीं चल रही जूता निकालते सबसे पहले वो गाय जाओ मार बाबा को अपन बाबा नुहा दिया चीम तो उड़ ना पाए पर हाथ ले कई हाथ ले कई चले मैंने आपको बता दिया है मकर संक्रांति की रिवाज रस्में क्या क्या है हमारे यहाँ पे। अब आप सब भी बताना कि हमें आपके यहाँ पे क्या क्या रिवाज है क्या क्या रस्में हैं। एक बूढ़ी अम्मा आई हुई है उसके लिए मैं चाय बना देती हूँ तो उसके लिए मैं चाय चढ़ा संक्रांति की दिया हुई रिवाज है हमारे यहाँ तो आप बताइए आपके यहाँ कैसी कैसी रिवाज है सिरला धोते बट वो सब कुछ कर लिया है मैंने बाल वगैरह भी धो लिया है सुबह सबसे पहले मैं ही नहाई घर में उसके बाद नहाया हमारे पापा उसके बाद नहाई हमारी बुआ जी आ रही है बाकी उसके बाद नहाई हमारी मम्मी उसके बाद अभी तक कोई नहीं नहाया है बच्चा पार्टी को नुहाऊंगी अब लेके आऊँ दोनों पुरानी टीवी देख रहे हैं बैठे में बैठ अब उनको लेके आके उन दोनों को लेके आऊंगी फिर उनको नुहाऊंगी दाल बनाई थी चूरमा बनाया था सब ने खा लिया बर्तन वर्तन साफ कर लिया सब कुछ काम हो गया खत्म। और अगर आप सबने मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और सो गाइस आप भी बताइए कि आपके यहाँ पे मकर संक्रांति की क्या रिवाज है कैसे आप मनाते हो। थैंक यू। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।